फिल्म का नाम है वो एक था दीवाना, वो एक दीवाना मैं हूँ और मेरी तरह बहुत सारे दीवाने हैं जो आज मार्केट में भी घूम रहे हैं, गलियों में भी घूम रहे हैं। यहाँ देखा जाए तो सबने इश्क किया है, कहीं ना कहीं दीवानगी सबके अंदर है। तो सबको मद्देनज़र रखते हुए इस फिल्म का टाइटल रखा गया है ताकि हर इंसान अपने आप को इस फिल्म में देख सके, इस किरदार में देख सके। किरदार की बात की जाए जो आपका एक लुक दिख रहा है यही रहेगा कि दूसरा पहनने वाला कुछ अलग रहेगा? ये आम जिंदगी है, नॉर्मल जिंदगी है, सिंपल इंसान हूँ। हमेशा कुछ नया प्रयोग करते रहते हैं, किसमें कितना नया है? नया कुछ नहीं है, स्टोरी नई है, काफ़ी अलग कहानी है, एक लव स्टोरी है, कहीं ना कहीं मजनू है। तो कहते हैं ना कि आशिक के गली का हर फेरा काबा के बराबर होता है, एक बार दीदार अगर हो जाए जन्नत का नज़ारा होता है। तो अपनी माशूक के लिए मैं भी फिर रहा हूँ, कहीं ना कहीं दीदार हो जाएगा और शायद जन्नत का नज़ारा हो जाएगा। मजनू का नाम रोमांटिक रूप में दिखेंगे? हाँ, एक्शन स्टार जी को जिस जो एक्शन होता है कहीं ना कहीं वो मैन होता है, और रोमांस जो होता है वो मैन ही करता है, क्योंकि जो भी लड़की भी होगी वो अपने लिए मैन ही ढूंढती है। मजनू की बात की जाए जिससे लैला मजनू नाम आ जाता है, उसमें मजनू की याद आती है, लेकिन ये आज का मजनू आज का मॉडर्न होगा जो एक्शन भी करेगा रोमांस भी करेगा। मैं समझाने एक बार वापस पूछना पड़ेगा। जो लैला मजनू का नाम आता है लैला मजनू की, जो लैला मजनू वाले मजनू की याद आती है जी, तो आज जो आप मजनू का रोल करने जा रहे हो आज का मजनू होगा कि वो पुराना वाला मजनू? मेरी कोशिश यही होगी कि मेरा हर किरदार आप लोगों के जहन में रहे, उसको आप कभी भूलें ना। अगर आप मेरे किरदार को भूल जाते हैं तो इसका मतलब मैंने अच्छा वर्क नहीं किया है, मैंने अपने काम से ईमानदारी नहीं की है। और मुझे पता है इस फिल्म में मेरी दीवानगी दिखेगी और इस दीवानगी से आप लोग बहुत इंस्पायर्ड होंगे। अगर मैं रोऊंगा तो आप भी रोएंगे, मैं हंसूंगा तो आप भी हंसेंगे, कहीं ना कहीं एक विश करेंगे कि इसका प्यार इसको मिल जाए। और फिल्म की पूरी टीम की बात की जाए, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, बाकी कोई स्टार क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली कहूँगा टीम बहुत अच्छी है, एक दूसरे से प्यार करते हैं, जब भी एक दूसरे से मिलते हैं सबके चेहरे पर स्माइल होती है। ये कोशिश होती है आप कहाँ हैं, आपने खाना खाया कि नहीं, आप घर पहुँच गए तो एक मिस कॉल कर देना। एक अच्छी टीम है, काम से प्यार करते हैं, खाना मुझे नहीं पता किसी ने कभी आज तक पूछा हो कि टिफ़िन कब आया है, अब तक जो मैंने देखा, चाहे हैरी जी हो, चाहे विनोद जी हो, चाहे आनंद जी हो, इनको काम की भूख है। और मैं भी विश करूंगा कि जिनको काम की भूख है, आप अगर काम के साथ हैं तो काम आपके साथ है, सिंपल सी एक लाइन। आपकी हीरोइन कौन रहने वाली है? देखते हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर साहब हैरी जी सारे लोग कौन ढूंढ कर लाते हैं, वो लड़की कौन है जिसका दीवाना मैं हूँ। आपके लिए सस्पेंस? हाँ, बताया नहीं है अभी तक यार, अब हीरोइन देख रहे हैं, दो चार फोटो देखे हैं मैंने, पर पता नहीं उनकी तो क्या पसंद हो। रियल लाइफ में आप किसी का दीवाना हैं? यार कौन नहीं होता है, मैं भी हूँ यार, पर पता नहीं, कहते हैं यार किसी को यहाँ मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। देखते हैं मेरे नसीब में जमीन आसमान दोनों है या नहीं है। वो फिल्म इंडस्ट्री से है या फिर कहीं बाहर? फिल्म इंडस्ट्री से नहीं होगी, इतना तो मैं कहूँगा, बिकॉज मेरी अम्मा बर्दाश्त नहीं करेगी। होगी या है वाली बात हो रही है? अम्मा बर्दाश्त ही नहीं करेगी। क्या अभी? अच्छा, मुझे अपने बारे में बताना है। अच्छा, आप सबको मेरा नमस्कार, कंचन किरण मिश्रा का नमस्कार। और मैंने इस फिल्म में एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया है जो कि बहुत ही खूबसूरत गाना है, मैं अभी तो नहीं बता सकती, सस्पेंस है, पर आई होप आप सब इसको पसंद करेंगे, बहुत सारा प्यार देंगे एंड सुपर डुपर लाइक्स देंगे। गीत संगीत की बात की जाए तो फ्लेवर क्या है, गाने का मूड क्या है? इस गाने का मूड है काइंड ऑफ लाइक ये आइटम नंबर भी है, तड़का सॉन्ग भी है, एट द सेम टाइम इट्स अ रोमांटिक नंबर एज वेल, एंड बहुत अच्छा लिखा गया है और आनंद मिश्रा जी ने बहुत अच्छा कंपोज किया है एंड बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ है। जैसे कि सबके अपने गाने की एक शैली होती है, कहीं के आपके लिए एक गाने की शैली है, तो आपके जो गाने की विधा है उससे ये मैच करता है कुछ डिफरेंट? बिल्कुल, बहुत अच्छा मैच करता है, ये बहुत अच्छी बात है कि ये सॉन्ग बिल्कुल मेरे गाने की विधा, वैसे तो मैं हर तरह के गाने गाती हूँ लेकिन ये सॉन्ग बिल्कुल परफेक्टली मैच करता है मेरी वॉइस। पूरी टीम के बारे में क्या, हीरो हीरोइन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर? बहुत अच्छी टीम है और जितने भी लोगों से मैं अभी तक मिली हूँ बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत हम्बल लोग हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हैं, म्यूज़िक भी काफ़ी अच्छा रहा, रिकॉर्डिंग भी बहुत अच्छी रही, तो मुझे सब लोग सही लगे और जितने भी जो भी स्टार कास्ट है इस मूवी की सबको मेरी बेस्ट विशेज़ हैं। बस मेरी शुभकामनाएं सबके साथ हैं, आप सब भी अपनी शुभकामनाएं मेरे साथ रखिए। ये हमारे हरी जी हैं, उम्र में छोटा मगर लंबाई में थोड़े बड़े हैं, और इन्होंने इतनी बड़ी सारी लोगों को इकट्ठा करके सारे लोगों को, और इस चीज़ को इन्होंने फिल्म बनाने का एक काम बढ़ाया है, और बहुत तरीके से बहुत अच्छे स्टोरी पे ध्यान दे करके
एक एक म्यूजिक पे ध्यान दे करके हर हर कंसेप्ट पे इन्होंने बहुत अच्छा से ध्यान दे दे करके एक एक फूक फूक के चल रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या दिखाना है पब्लिक को। और रही बात कि जो आज गाना रिकॉर्ड हुआ है, इसकी मैं तो म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, अपनी चीज़ को तो तारीफ करूँगा ही, मगर बहुत ऐसे लोग हैं जो म्यूजिक से रिलेटेड नहीं हैं, फिर भी उन्होंने बोला कि वाह क्या बात है, मज़ा आ जाएगा। तो वो मज़ा आने वाली आनंद मिश्रा, तो हम चाहते हैं कि हमें चंद यहाँ पर कुछ लोग हैं उनको मज़ा आया, हम चाहते हैं कि पूरे ऑडियंस को मज़ा आए। जब ये पर्दे पे आए, जब टीवी में आए, तो पूरे ऑडियंस को मज़ा आना चाहिए। कुल कितने गाने हैं काम जो है, और जैसे कि मामा जी ने हमारे आनंद मिश्रा म्यूजिक डायरेक्टर जो हैं, और मामा जी भी हैं हमारे तो ये बोले इस गाने के बारे में जो आज गाना रिकॉर्ड हुआ है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। ये गाना आइटम सॉन्ग है और बहुत ही अच्छा जो है शब्द और गाना है रिकॉर्ड हुआ है आज के, और सिंगर भी अच्छी है हमारी कंचन जी जो है, और इसका भी स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। उसके लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है, हमारे दोनों भाई हैं जो है, पूरी टीम है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और बहुत अच्छी फिल्म बनेगी, एक रोमांटिक फिल्म बनेगी जो है, एक पागलपन एक दीवानापन जो है होगा फिल्म के अंदर, और लोगों को पसंद आएगी। एक बार जब पब्लिक थिएटर से निकलेगी तो उसके आँख से जो है आंसू जरूर निकलेगा, इतना मेरी गारंटी है जो है। जब स्टोरी चाहेगी बहुत अच्छी है, जब स्टोरी चाहेगी तो ही आप हंसेंगे, जब स्टोरी चाहेगी तो आप रोएंगे देख करके, आप रोबोट बन जाओगे मतलब स्टोरी के हिसाब से। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारी टीम कर रही है जो है, सब लोग कर रहे हैं मिलके, सब लोगों के साथ जो है काम आगे हो रहा है। मेरा नाम अतीश सिंह है, हमारी ये टीम है, हम टीम के साथ कुछ नया पन लाना चाहते थे और दीवानों की दीवानगी दिखाना चाहते थे, इसीलिए हम लोगों ने इस नाम रखा ओ एक था दीवाना। नहीं ऐसा कुछ नहीं वो टाइम के हिसाब से देखेंगे पर्दे पे आ सकते हैं कि नहीं, वो टाइम पे ही सब देखेंगे। और मेरे जो चाचा हैं मनोज आर पांडे, बहुत अच्छे हैं, और आज तो मैं सच बोल रहा हूँ कि आज मैंने सपने में ये देखा है कि मनोज चाचा की जो फिल्म आ रही है वो मतलब कि साल की सबसे बेस्ट फिल्म होगी, और बेस्ट एक्टर का भी इनको अवार्ड मिला, आज मैंने सपने में ये देखा सुबह सुबह। ये विश पूरा हो जो है से छोड़ के पहिना सलवार न तो लुगा वाला चार हो जाई, ए बबुनी चढ़ल बाटे तहरो जवानिया बजरिया में मार हो जाई, आ चल जन चाल तू असवरिया असई ठिके, आ सब लोग लाइन मारे लगी तबई ठिके, अबले सम्हार ना ओढ़निया त केहू लेके पार हो जाई, ए बबुनी चढ़ल बाटे तोहरो जवानिया बजरिया में मार हो जाई।